मतलब जो हिल है यहाँ से स्टार्ट हो गया है और हम लोग बस वो इस हिल का जो सबसे बड़ा टर्निंग्स है, तीन टर्निंग है, तो हम लोग उसी टर्निंग के पास में है। नमस्कार दोस्तों। Hey beautiful people, welcome back to another blog. And as my last video, as my last blog, I already have told you that we will make a blog on Ajoddha Hill. So आज हम लोग आ गए हैं। इसके पहले जो वीडियो था, मैं जो मुर्गुमा डैम का उस वो वीडियो देखा, हम होटल का जो डिटेल्स हम दे दिया, तो हम ट्राई करेंगे यहाँ का भी होटल का सब डिटेल्स आप लोगों को दे सकते। एंड लुक, हम लोग अभी उधर से गुजरते हुए आ रहे हैं और टर्निंग्स देखो कितना सुंदर है, लेकिन सुंदर के साथ साथ डेंजरस भी है। सो यहाँ से गुजरते वक्त थोड़ा ध्यान से, और हम लोग उधर से आ रहे हैं, सिकाबाद होके हम लोग इधर आ रहे हैं। और अब बहुत सारे लोग बगमुंडी के उधर से भी आते हैं। टाइम लेके आना, मतलब ये जो व्यू है बहुत अच्छा व्यू है। एंड हमेशा की तरह हम लोग आज भी लेट है, तो क्या क्या मतलब कवर करेंगे हम लोग को नहीं पता। देखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें, अपर डैम है, फिर लोअर डैम है, वहाँ पे लोहरिया टेम्पल है, और फिर तुर्गा फॉल्स है, बामनी फॉल्स है, एंड तुर्गा लेक, स्लेट लेक। भाई इतना कुछ मैं कुछ भी नहीं जानता। तो बाइक को पहले एक बार लेके आया था, उस टाइम भी हम लोग लेट थे, तो उस बार भी इसे कुछ नहीं दिखा पाया। तो हम इस बार ट्राई करेंगे जाने के लिए। तो अगर आप आते हो तो थोड़ा टाइम लेके आना, ठीक है? ड्राइव ठीक से करना। यही जगह बस, ये जो पीछे दिख रहा है आपको वो टर्निंग, ये सब जगह थोड़ा ध्यान से आ जाना, फिर उसके बाद और कोई टेंशन नहीं है। safe, मतलब टेंशन है drive, लेकिन इतना डेंजरस नहीं है। जो भी डेंजर है सब इसी मतलब यहीं पे है ज्यादातर। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आइसक्रीम है भाई? कोई नहीं है ना? अच्छा ठीक है। दूर है ये, फिर भी यहाँ पर
वायर, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, मतलब डेवलपमेंट बहुत हुआ है। अभी हम लोग अयोध्या जो विलेज है वहाँ पे घुस गए हैं एंड एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला नर्सिंग होम है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हिल के ऊपर नर्सिंग होम इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एंड यहाँ का जो गांव का लोग है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आगे बढ़ते चलिए, क्या मिलता है हम लोग देखते हैं। एंड हम लोग आ गए हैं निहारी का लॉज, तो चलिए अंदर जाते हैं। अयोध्या के सबसे बड़ा लॉज है निहारी का लॉज नेम है और हम लोग अभी उसके अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या जो हालचाल है इसके अंदर। अंदर घुस गए हम लोग। सो हम लोग लॉज के अंदर से अभी आ रहे हैं और हम लोग को सब कुछ मिल गया, मतलब जो रूम्स का लिस्ट है उसका प्राइस और खाने का प्राइस और जितना भी सब कुछ है। हम लोग उसका वीडियोस भी कर लिए हैं और फोटोज़ भी ले लिए, तो वो मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा, ठीक है। सो अभी देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में वाला फुटबॉल का ग्राउंड है और लॉज में आपको दिखा दिया, वो लॉज आप पुरुलिया से भी बुकिंग कर सकते हो और कोलकाता से भी बुकिंग कर सकते हो, वो सब तो आपको स्क्रीन में मिल गया। एंड अभी जो दिखाना है, अगर आप लॉज पे नहीं रुकते हो बस घूमने के लिए आते हो, तो यहाँ पे आपको दो होटल्स मिलेंगे। देख रहे हो, ये वाला एक होटल है और वो वाला एक होटल है, ये वाला। तो ये दोनों होटल है जहाँ पर आप खा सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है जो बताना था, अगर आप सिर्फ घूमने के लिए आते हो विदाउट एनी पिकनिक और कुछ, तो खाने का जगह भी है यहाँ पे और ज़्यादातर दिन खुला ही रहता है। ये भारत सेवा आश्रम है, आप लोगों को शायद पता ही है भारत सेवा आश्रम। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड से जाता है अपर डैम, उधर आप देख सकते हो। एंड यहाँ से एक सीधा रास्ता जाता है उधर, उधर बामनी फॉल्स एंड तुर्गा फॉल्स, वो सब कुछ मिलेगा आपको, ओके। चलो हो गया और धूप के लिए थोड़ा दे रहा है। फाइनली हम लोग अपर डैम आ गए हैं।
बहुत ही शानदार रोड है। वाटर लेवल काफी नीचे है अभी। देखो कितना क्राउड है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं डैम पे। हालांकि वाटर लेवल काफ़ी नीचे है। yes. और फाइनली हम लोग अपर डैम पे हैं। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है लुक। और ये ऑपोजिट साइड है डैम का, देख सकते हो कितना नीचे गया है पूरा। और ये जो रोड जा रहा है अभी उधर लोअर डैम जा रहा है और उधर से लोहरिया टेम्पल एंड बागमुंडी भी है, तो हम लोग अभी उधर जाएंगे। सो गाइस हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। भाई तेरे को कैसा लग रहा है बोल? मतलब वो बहुत यहाँ पे नहीं आया, पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है, लेकिन सिर्फ पापा डैम आया है, लोअर डैम नहीं गया। तो हम लोग अभी लोअर डैम जाएंगे, फॉल्स जाएंगे। टाइम कम है लेकिन फिर जाना पड़ेगा। और देखो हम लोग अभी अपर डैम में है, दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा। की वजह से अंधेरा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पुरुलिया में कोई भी ऐसा फोटोग्राफर है जो यहाँ पे आके फोटोशूट नहीं किया है, तो अब भी आइए अगर आपका फोटोशूट का शौक है तो आ जाओ। लोअर डैम के उधर जा रहे हैं और यहाँ पे आप लोग कुछ फोटोहॉलिक लोग हम लोग को दिख रहा है अभी, देख सकते हो। और पिक्चर्स बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर्स आता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर्स लिया हुआ है इसका और अपलोड किया हुआ भी है मेरे बुक पे। तो अगर आप फेसबुक पे नहीं हो तो आ जाओ, इंस्टाग्राम में भी आ जाओ, वहाँ पे भी अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा काफ़ी क्लीन रहता है, वहाँ पे सिर्फ अच्छे अच्छे फोटो अपलोड करते हैं। और देख ले क्या बोल रहे, कैसा आ रहा है ऑडियो मुझे नहीं पता, हवा की वजह से थोड़ा खराब आएगा शायद। भाई पीछे से हॉर्न बजा रहा था, मुझे लग रहा है कि सामने से कोई आ रहा है। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं अपर डैम से, अपर डैम जो है वो एकदम टॉप पे है और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं लोअर डैम के उधर रास्ते से जाने से जा रहे हैं। और रोड्स काफी चौड़े भी है, देख सकते हो।
वहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा क्राउड है, बिकॉज ये जो यहाँ पे एक रास्ता है अंडरग्राउंड के लिए। वाला चीज पहले नहीं था, नया बनाया है। और हम लोग लोअर डैम के काफी पास पहुंच गए हैं और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ड्राइव करना कितना मुश्किल होता है। अगर हम लोग को थोड़ा थोड़ा लोअर डैम दिखने लगा है, यानी कि हम लोग काफी पास है उसके। हम लोग लोअर डैम आ चुके हैं, हम लोग उस रास्ते से आया उधर से, ठीक है। और आप व्यू देख सकते हो, ये सब नहीं था पहले, तो हम और अच्छे से देख सकते थे पास से, लेकिन सेफ्टी के लिए ये सब दे दिया, तो हम लोग और आगे नहीं जा सकते। ट्राई करूँगा एक बार यहाँ से, आप देख लो ये वाला है लोअर डैम, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग अभी लोअर डैम में हैं और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो हम लोग इसे दो पार्ट में बना रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट यहाँ पे एंड करते हैं और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कुछ दिन बाद ही आएगा। और अगर आप बाद में देख रहे हो आ गया है, तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पे देख लो। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग दुर्गा फॉल्स जाने वाले हैं, यहाँ से वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इस पार्ट में इतना ही, टिल देन बाय।